पहले बहुत बेसिक चीज में जाऊंगा मैं, राइटिंग में जाने से पहले, क्योंकि देखिए एक चीज होती है कि हम जब कम्युनिकेशन बात करते हैं तो कम्युनिकेशन की एक कुछ बेसिक चीजें हमें बहुत जरूरी है पता होनी चाहिए, संवाद जिसे कहते हैं। और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से कोई बता सकता है कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कब होता है या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी कम्युनिकेशन के लिए? फिर मैं हल्का सा आपको कम्युनिकेशन कैसे होता है उसका खाली 1 मिनट में आइडिया देके कुछ ऐसी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आपके राइट फ्रॉम करियर से लेके इंटरव्यू या कहीं भी प्रेजेंटेशन स्किल्स में काम आने वाली हैं। तो मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर चाहिए कि हम कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सबसे पहला किसे माना जाएगा, बस इतना आप बता दीजिए मुझे। अगर क्योंकि मैं चाहता हूं इसे इंटरेक्टिव बनाया जाए, आप टाइप भी कर सकते हैं और अगर सर ने आपको बोलने का कुछ मौका दिया हो तो बोल भी सकते हैं। ओके, एक आंसर मुझे मिला है कि कम्युनिकेशन नीड्स एटलीस्ट 2 पर्सन, ठीक है, और मैसेज इज टू बी इनकोडेड क्लियरली। मैसेज जो हम देने जा रहे हैं लोगों को वो इनकोड होना चाहिए क्लियरली, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, फाइन, काफी आंसर मिल रहे हैं। एक आंसर मुझे मिल गया है इसमें जो बिल्कुल जो मैं पूछ रहा था वो चीज से रिलेटेड था। तो मुझे ये जो आंसर मिला है, मैं इसको अगर चैट में देखूं तो मुझे एक आंसर मिला है कि दोज हु आर एबल टू कन्विंस द अदर टू लिसन। इसमें थोड़ा मुझे उसका परसेंटेज मिल गया है, तो एक्टिव लिसनिंग, बहुत सारे आपके आंसर आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन में कि आप कम्युनिकेट किसी को, जब तक आप किसी दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो वो कम्युनिकेशन जो है उतना सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्यों सुनते हैं किसी मोटिवेटर को ज्यादा, या क्यों आप किसी यूट्यूब चैनल को ज्यादा फॉलो करते हैं या किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, अपनी जो बोलने का संवाद की कला है उसके थ्रू आपके सीधे दिलो दिमाग पर असर करता है और वो आपको अपनी बातों से कन्विंस करता है। और ना सिर्फ आप उसको सुनते हैं बल्कि लोगों को उसको सुनने के लिए आप मोटिवेट भी करते हैं। तो सबसे बड़ी आर्ट होती है कि कन्विंसिंग जो है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, और सारी बातें कन्विंसिंग कन्विंसिंग पे आकर टिकेगी। अगर आपके कोई पहले कम्युनिकेशन के सेशन होंगे तो हम बिल्कुल भी थ्योरेटिकल सेशन पे नहीं जाने वाले कि कम्युनिकेशन दो वे है, दो लोगों से ही बनता है, उसमें एक फीडबैक होता है, एक मीडियम होता है, इस पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन मैं जाऊंगा आज दो चीजों पे जरूर, और उसमें मैं पहले एक बार राइटिंग में जाने से पहले उन दोनों में से एक चीज पे तो खास कर जाना चाहूंगा। कम्युनिकेशन में आपने जरूर सुना होगा कि एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन में आपने ये समझा होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी शब्द इन्वॉल्व होते हैं, और नॉन वर्बल होता है जिसमें शब्द इन्वॉल्व नहीं होते। वो साइन लैंग्वेज हो सकती है, वो बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, वो सिंबॉलिकल लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन क्या आप में से आपको किसी को जानकारी है कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है? इससे पहले कि हम राइटिंग में आए, कुछ चीजें जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि एक सेशन है, इसके जरिए हम कुछ बढ़िया चीजें समझ सकते हैं। तो नॉन वर्बल या वर्बल कम्युनिकेशन में ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? नॉन वर्बल एक आंसर आया, वीरेन सिंह जी ने दिया, एक किसी ने वर्बल दिया है, वर्बल, ठीक है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन जो कि शब्दों द्वारा प्रदर्शित होता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज 70% मोर पावरफुल देन वर्बल कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हम लोगों का सबसे कमजोर होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन, वैसे तो मैं बात करूं तो आजकल वर्बल कम्युनिकेशन भी जो है संवाद अपने आप में कला है, इतना आसान नहीं है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से कम्युनिकेशन वर्बल भी कई लोग नहीं कर पा रहे। और एक खास चीज और है कि हम लोग कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं सिर्फ इंग्लिश में जो बोल पाता हो, इट्स नॉट सो। कम्युनिकेशन है कि संवाद की कला में आप चाहे हिंदी में माहिर हो,
चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, लेकिन आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। और कन्विंस वही करेगा जिसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो आप जानते हैं कि जहां शब्द इन्वॉल्व नहीं होते और सिंबल, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये मैं राइटिंग से पहले थोड़ा सा आपको देना चाहता हूं टिप्स, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैं एक चीज आपको सिर्फ बताऊंगा, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड और कई चीजों से, फिर हम रिटन में जाएंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक चीज होती है जो होती है, जैसे हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज, वो पैरा लैंग्वेज को थोड़ा समझ लें और फिर हम चलेंगे राइटिंग में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्द तो नहीं इस्तेमाल करने वाले, तो क्या शब्दों के बिना इस्तेमाल के भी हम चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, जब आप कहीं जा रहे हैं और एक एरो का साइन लगा है जो एक क्रॉस एरो है या फिर मुड़ता हुआ एरो है, तो आप वहां पर कभी ये नहीं पूछेंगे कि हाँ, या आपसे कोई कहता नहीं है एरो नीचे आके कि हाँ भैया यहाँ से थोड़ा बाएं ले लेना, बल्कि आप उस एरो को देखते हैं और आप समझ जाते हैं इशारा कि वी हैव टू टेक टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक वैसे ही जब हम कोई चीज बोलते हैं तो दो लेयर काम कर रही होती है, एक तो जो शब्द हमारे मुंह से फूट रहे हैं, द वर्ड्स स्पर्टिंग आउट ऑफ अवर माउथ इंस्टेंटली, जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं उनका कुछ लिटरल मीनिंग है, साहित्यिक अर्थ जिसे कहते हैं, जैसे आप समझ पा रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं उसके शब्दों के अर्थ को आप समझ रहे हो। और एक दूसरा तरीका होता है जो नॉन वर्बल साथ साथ चलता है, वो दूसरी लेयर होती है, और वो दूसरी लेयर क्या होती है कि उस वर्ड को पावरफुल बनाना या वीक बनाना या उसका किस तरीके से असर होगा, ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये होता है द वे यू आर डिलीवरिंग यूर वर्ड्स, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आप चीजों को अपने मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, और उस तरीके से ही ये ऑडियंस, पब्लिक या किसी को भी असर करने वाला है और उस तरीके से कन्विंस करने वाला है। तो आपके बोलने का तरीका, यानी किसी शब्द को किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसे हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ये किसी भी, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे बोलने का तरीका हो, या पब्लिक प्रेजेंटेशन हो, या स्पीचेज हो, इसमें बहुत मायने रखता है। खासकर आप सब लोग जो वोकेशनल स्टडीज के स्टूडेंट है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, इवन व्हेन यू आर टॉकिंग टू ए क्लाइंट और व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समवेयर योर प्रोडक्ट, योर पैरा लैंग्वेज मैटर्स ए लॉट। इट हैज ए ग्रेट ग्रेट इंपॉर्टेंस इन यू नो पब्लिक स्पीकिंग। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि जैसा हम बोल रहे हैं वो शब्द ना होके वो कोई तरीका है, लेकिन वो आपके शब्दों को पूरा अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है और दूसरे तरीके से भी दिखा सकता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल प्रैक्टिकली देने जा रहा हूं आपको। तो आप देखिएगा, मैंने कहा मैं प्रैक्टिकल इश्यूज पे ज्यादा बातें करूंगा बजाय थ्योरेटिकल, और पावर पॉइंट भी मेरी बहुत छोटी होगी, लेकिन हम उस पर कुछ बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल बातों में सबसे पहले मैं आता हूं, मैं आप सब लोगों को यहां पर जो है कम्युनिकेशन के थ्रू तीन चैनल में बात करने वाला हूं, यानी कि हर बार मेरे शब्द एक ही होंगे, जो मैं बोलूंगा उनके वर्बल कम्युनिकेशन सेम होगा, मैं एक एक शब्द वही यूज करूंगा जब बोलने वाला हूं, लेकिन मैं आपको जैसा मैं चाहूंगा इंप्रेशन वैसा आप पे उसका पड़ेगा। ये होती है पैरा लैंग्वेज, यानी कि मैं सिर्फ चैनल स्विच करने वाला हूं अपने बोलने के तरीके से, और उस तरीके से आप पर असर पड़ने वाला है उसका। अब मैं आपको पूरा चैलेंज देता हूं कि आप अपने दिमागों को पूरा कंट्रोल कर लीजिए कि जैसा सर बोलेंगे मैं वैसा असर पड़ने नहीं दूंगा, लेकिन ये पड़ेगा, बिकॉज पैरा लैंग्वेज इज सच ए पावरफुल टूल, नॉन वर्बल इज सच ए पावरफुल टूल इन स्पीकिंग दैट यू कैन कन्विंस एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। सर, तो मैं तीन तरीके से अपने चैनल्स को बदलने वाला हूं कम्युनिकेशन के, और मेरे शब्द एक ही रहेंगे, यानी मेरा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं बदलने वाला, बट आई एम गोइंग टू चेंज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो मेरी आस्क वन थिंग, यस प्लीज, कुछ चैट बॉक्स में भी लर्नर्स के कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है, जब आपको समय रहेगा आप एक बार कभी कभी उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैंने चैट बॉक्स खोला हुआ है, अभी लास्ट मैसेज मेरे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है विकास चंद्रा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही लास्ट मैसेज है क्या? यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, वो मेरे साथ साथ चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कम्युनिकेशन के चैनल स्विच करने की, और इसके बाद ठीक यही चीज हम राइटिंग में करने वाले हैं कि राइटिंग आखिर क्या है।
तो मैं आपके पास तीन बार एक ही शब्द बोलने वाला हूं, शब्द नहीं बदलेंगे लेकिन असर मेरा दूसरी तरह पड़ने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं शेरो शायरी से। आपने बहुत लिखी होंगी अपनी डायरियों में पीछे, ठीक है, स्कूल कॉलेज के जमाने में, कुछ लोग अभी भी लिखते होंगे। तो एक शेर आपके सामने है और उसकी सिर्फ एक लाइन बोलूंगा और वो पहला वर्बल कम्युनिकेशन होगा जिसमें उसके शब्द से आप समझेंगे, और फिर मैं तुरंत स्विच करूंगा दूसरे नॉन वर्बल में। तो पहला नॉन वर्बल, अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद। अर्ज किया है, अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद। ये था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फर्स्ट। अब मैं बदल रहा हूं और मेरे शब्द नहीं बदलेंगे। अरे अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद, ये था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो। और तीसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद। तो ये तीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और मैंने कहीं पर भी वर्बल चेंज नहीं किया, दिस इज पैरा लैंग्वेज। तो पहला जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, जब मैं ऐसे कहता हूं कि अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद, तो ये वार्मथ और इमोशंस को दिखाता है, जिसमें इसमें पूरा वार्मनेस है और फुल ऑफ इमोशंस है। एम आई राइट? आप लिख सकते हैं यस और नो, एम आई राइट और नॉट। अब हम जब दूसरा कम्युनिकेशन में जाते हैं, अरे अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद, इट शोज एंगर कि वो इतना झल्ला गया है, इतना एंग्री है कि वो जो है उसका मूड खराब हो गया है पूरा। और जैसे ही तीसरा कम्युनिकेशन आता है, शब्द वही है, आप देखिएगा, अब क्या गजल लिखूं तुझे देखने के बाद, यानी कि ये एहसान कम है कि तुझे देख लिया, अब गजल भी लिखनी पड़ेगी। तो ये है कम्युनिकेशन का शानदार जो है असर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पैरा लैंग्वेज। एंड व्हेन ए मैन होल्ड्स दिस कमांड ओवर पैरा लैंग्वेज, अ वाइस लाइक ग्रिप ओवर पैरा लैंग्वेज, ही बिकम्स द ओरेटर। वो है ओरेटर, वो है वक्ता, वो बनता है शानदार वक्ता, ठीक है। तो ये होता है और इसीलिए जो है पैरा लैंग्वेज का वो जो आप कह सकते हैं जलवा होता है, वो आप देखने को मिलेगा आपको अच्छे वक्ताओं में। आप अमिताभ बच्चन को देखिए अगर, तो द वे ही यूजेस पैरा लैंग्वेज कि वो बैठे बैठे इमोशंस को प्रकट कर सकता है सिर्फ शब्दों के माध्यम से। तो मैं इसमें कभी और एक लंबा सेशन जो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, और इस पर कभी सर मौका देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। सिर्फ मैं बताना चाहता कि कम्युनिकेशन कितना बड़ा एरिया और हम लोगों ने अभी कितना सीखा है। How much we have to learn in our life regarding communication. तो ये तो था सिर्फ बोलने का, और हम लोग इसको क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से वो अपनी जो है कभी जो है हम बताएंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी और आप कहीं भी जाएं तो उसके लिए भी। तो आपको ये प्लान करना होता है कि कैसे मैंने किस स्टाइल से इसे बोलना है। इंटरव्यू में भी इसकी एक खास बात होती है। तो ये था आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तरीका। अब आप ये तो समझ ही चुके हैं कि कन्विंस करना एक बड़ा संवाद है। अब हम राइटिंग की ओर मुड़ रहे हैं जो आज का सेशन है, ठीक है। अब ये बताइए कि कन्विंस आप कब तक नहीं होंगे। कन्विंस आप तब तक नहीं होंगे जब तक कि जो कहने वाला है वो इतने शानदार तरीके से ना कहे। एम आई राइट और नॉट? कि कन्विंस आप तब तक ना होंगे जब तक आपको कहने वाला शानदार तरीके से न कहे, यानी कि वो अपने आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से न रखे कि आप उस पर विश्वास कर सके, ठीक है। और आप तभी कहेंगे कि ये बहुत शानदार है। कब आप कहते हैं कि एक शानदार लिखावट है, एक शानदार चीज है, भाई जब आपको लगता है कि ये इसने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि मजा आ गया, ठीक है। तो एक होता है राइटिंग में सबसे पहले कि कोई चीज को लिखना, और दूसरा होता है उसके लिए ऐसे काउंटर आर्ग्यूमेंट चुनना या उसके लिए ऐसी भाषा चुनना या उसका ऐसे जिसको इंग्लिश में एक शब्द कहते हैं कोरोबरेट करना, उसको इतने बढ़िया ढंग से कोरोबरेट करना, यानी उसको पुश करना अपने दूसरे वाक्य से या उसके अगले वाक्य से कि वो बहुत ही कन्विंसिंग लगे, ठीक है। कबीर के दोहों पर आ जाइए, कम्युनिकेशन डजंट डिमांड एनी लिमिट। हम इंग्लिश की बात नहीं करते, हम उर्दू में घुस सकते हैं, कबीर में घुस सकते हैं, हिंदी में घुस सकते हैं, ठीक है। तो कबीर के दोहे में आ जाइए, तो वो अगर कहते हैं कि कोई भी चीज कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिलिया कोई, यहां तक किसी चीज को लिखने की शुरुआत हो चुकी है और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कन्विंस अगले सेंटेंस से होंगे जब वो बहुत पावरफुली कहेंगे कि जो दिल खोजो आप नो तो मुझसे बुरा ना होए,
तो आप कहेंगे वाह क्या बात कही है, क्योंकि पहली लाइन जिससे हमें ओपनिंग की थी उसको कोरोबरेट करने वाला आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है दैट यू गेट कन्विंस्ड विद इन मोमेंट। जैसे ही गालिब कहते हैं कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, और मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, तब तक सही है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यानी मुझ पे बहुत परेशानियां, किसी पे भी परेशानियां पड़े तो वो जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन इसको कन्विंस तब होंगे आप जब वो कहेगा कि इतनी मुश्किलें मुझ पर पड़ी कि अब तो मुझे मुश्किलें बहुत आसान लगने लगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कन्विंसिंग, और राइटिंग में भी यही चलता है, और राइटिंग में आपको कोरोबरेशन आना चाहिए कि मैं जिसको लेके चल रहा हूं वो उसको मैं कोरोबरेट कैसे करने वाला हूं, अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कितना स्ट्रांगली पेश करने वाला हूं। तो ये थी किसी भी राइटिंग की कन्विंसिंग होने की जो है शर्त। इसलिए जैसे हम अभी स्पीकिंग की बात कर रहे थे, लिखने की बात कर रहे थे, बोलने की बात कर रहे थे, तो बोलने की बात के जैसे ही राइटिंग की बात भी होती है जिसमें कन्विंस करना होता है, उसके शब्दों में भी एक ऐसा इंपैक्ट होना चाहिए जो बोलने के पैरा लैंग्वेज की तरह लगे। तो शब्दों में ये इंपैक्ट कहां से आता है, द वे यू स्ट्रक्चर योर सेंटेंस, जैसे तुम अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हो, ठीक है। और यही आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे राइटिंग अच्छी की जाए, राइटिंग स्किल्स, और दूसरा मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज में भी जाऊंगा एक बार कि हमारी राइटिंग में क्या क्या कमियां हैं, हम लोग अपने स्कूल सिस्टम से क्या क्या चीजें जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो क्या चीजें भूल आए हैं या क्या चीजें गलत करके आए। तो मैं बात कर रहा था कि कन्विंस करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स में ध्यान देना होता है, और स्ट्रक्चर्स में हमें अपने आप कन्विंसिंग लगने लगता है अगर लिखने में स्ट्रक्चर्स उतने शानदार हैं। तो स्ट्रक्चर्स ही किसी राइटिंग को बनाते हैं, और स्ट्रक्चर में खास बात होती है जो हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम कि कोई राइटिंग के जब हम बात करते हैं तो कितने तरीके की राइटिंग होती है। देखिए, एक होती है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग जिसके लिए आज का सेशन है, तो वो टेक्निकल राइटिंग और एक जो है लिटरेरी राइटिंग, इन दोनों में क्या फर्क है, एक राइटिंग और एक टेक्निकल राइटिंग में क्या फर्क है, लिटरेरी राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग में कोई बता सकता है? जैसे उधर था वर्बल और नॉन वर्बल, इधर भी दो तरीके की राइटिंग है अगर हम ब्रॉडली कहें, एक लिटरेरी राइटिंग और एक टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। तो टेक्निकल राइटिंग वो होती है दोस्तों जब हम बात करते हैं कि नंबर एक चीज उसमें पर्सनल इमोशंस के लिए जगह नहीं होती, और जब पर्सनल इमोशंस के लिए जगह नहीं होती तो उस राइटिंग को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव राइटिंग। उसका मतलब है कि हमारे लिखने में ऑब्जेक्टिविटी आएगी। इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर करते हैं जिसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन होते हैं, तो हम एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं, वो बच्चे के बारे में कभी कोई आइडिया नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसका कोई पर्सनल टच वहां नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है पेपर। और अगर मैं सब्जेक्टिव कह दूं तो वो पर्सनल होगा, वहां पर बच्चे ने जैसे एक्सप्रेस किया हो, ठीक है, और उसको जैसे लिखा हो तो वो अंतर कर सकता है कि किस बच्चे में कितना दम है, यानी पर्सनली उन्हें एसेस कर सकता है। तो यही है, एक बहुत अच्छा आंसर विक्रम सिंह ने भेजा है, टेक्निकल राइटिंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट प्रोफेशनल विदाउट अननेसेसरी फीलिंग और इमोशंस। द सेम वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कि यहां इमोशंस नहीं होंगे, यहां पर्सनल टच नहीं होगा। आई मीन वट एवर यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट इज गोइंग टू बी डिस्क्राइब्ड पिन पॉइंटेड एंड इन अ वेरी कोहेरेंट मैनर, वो बहुत फ्लुएंटली और पिन पॉइंटेड तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने लिखा है ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, दोनों चीजें बहुत अच्छी लिखे, ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट होनी चाहिए। क्यों करेक्ट होनी चाहिए, इसका रीजन है, इसलिए करेक्ट होनी चाहिए, आप नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं पेन टैबलेट लाया था लेकिन वो यहां पर किसी वजह से इसमें काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ग्रेट टू राइट देयर ऑन बोर्ड। तो अब ग्रामेटिकली करेक्ट होने का क्या मतलब है, ग्रामेटिकली करेक्ट होने का फिर से एक मतलब होता है, इट मीन्स यू आर एक्चुअली राइटिंग फॉर्मल राइटिंग, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग एक फॉर्मल राइटिंग होती है, ग्रामेटिकल करेक्ट होना पड़ता है फॉर्मल राइटिंग में,
और इनफॉर्मल राइटिंग में ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पीकिंग में जरूरी नहीं है। फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है वो भी फंडामेंटली कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि फॉर्मल वो होता है वेयर रूल्स एंड नॉर्म्स कंट्रोल समथिंग, जहां रूल्स और नॉर्म्स किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, और इनफॉर्मल वो होता है जहां कोई नॉर्म्स नहीं होते, कोई रूल्स नहीं होते। यानी कि अगर आप सीधे सीधे व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बोलने में, अगर आप कह रहे हैं हाय गाइस व्हाट्सअप और ये टाइप की लैंग्वेज आपकी चल सकती है इनफॉर्मली, लेकिन फॉर्मली यू विल हैव टू ग्रीट समवन दैट हाउ आर यू और लाइक आई व्हाट्सएप विल नॉट वर्क फॉर्मली। आप प्रिंसिपल को लिखते हैं तो फॉर्मली लिखते हैं, हमेशा इनफॉर्मली नहीं जा सकते। तो फॉर्मल में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी करेक्ट होना चाहिए, इनफॉर्मल में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं, एक कम्युनिकेशन डजंट डिमांड एनी बाउंड्री, मैंने कहा था। तो क्लासिकल म्यूजिक किसे कहते हैं, कई लोगों को क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद होता है, कई लोग बोर होते हैं। क्लासिकल म्यूजिक उसे कहते हैं जहां हर म्यूजिक किसी ना किसी रूल के अंदर बाउंड होता है। अगर एक राग है, अगर तबले में तीन ताल है या फिर द्रुत है या विलंबित है तो वैसे ही बजना है उसमें। अगर एक भी नोट की गलती कहीं गायक की हो गई तो वो गलत है, उस राग में गलती हो जाएगी क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है। और फिर आपके गुरुजी आपको बड़ी बड़ी निगाहों से घूरेंगे कि यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। तो इसलिए तबला, क्लासिकल म्यूजिक, राग, ये सब पूरे रूल बाउंड होते हैं। वैसे ही फॉर्मल जो है राइटिंग वो रूल बाउंड होती है, और टेक्निकल राइटिंग भी रूल बाउंड होती है। इसीलिए हमें टेक्निकल राइटिंग सीखने की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। और टेक्निकल राइटिंग में जब इमोशंस नहीं है, पर्सनल टच नहीं है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जरूरी है, तो अब हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या आती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की। तो उस पर अभी हम डिटेल में जाने वाले हैं। सो लेट्स सी अ स्मॉल स्लाइड, बहुत छोटी सी सिंपल स्लाइड में आपके लिए बना के लाया हूं, तो एक बार मैं वो शेयर कर रहा हूं आपके सामने। तो किसी भी टेक्निकल राइटिंग के लिए जो सबसे जरूरी है वो एक 5-step राइटिंग प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी चीज में लिखने के लिए क्या जरूरी है, इस पे बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी आपने कुछ लिखा होगा अपनी जिंदगी में, और उस सब में मेरे ख्याल से जब आपने सबसे पहले कोई चीज लिखी होगी तो सॉरी अपनी डायरी के पीछे को या बीच में कहीं भी कोई पोयम लिखी होगी अपने मन से, या कोई शेर लिखा होगा, या फिर कोई और चीज। अब लेटर का जमाना तो रहा नहीं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। अब जब लिखा होगा तो आपने कुछ ना कुछ अपने माइंड में उस लिखने के लिए रखा होगा। अगर आपके माइंड में कुछ था नहीं तो वो लिख सकते नहीं, यानी कुछ ना कुछ आपका माइंड प्रिपेयर रहा होगा किसी चीज को लिखने के लिए। तो इनफॉर्मल राइटिंग में आप बिना कुछ सोचे समझे भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में सोचना पड़ेगा। इसलिए अगर आप एक शेर लिखते हैं, एक गाना लिखते हैं, तो हो सकता है आपको सोचना ना पड़ा हो, इंस्टेंटली लिख दिया हो। लेकिन जैसे ही ये बात आ जाएगी कि आपको एक गाना स्कूल के प्रोग्राम के लिए लिखना है, ठीक है, एनुअल फंक्शन के लिए लिखना है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रिपेयर, और वो प्रिपेयर प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग जब यहां चलेगी तो उस प्लानिंग में बहुत वक्त लगेगा, उस प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आप सोचोगे, और कई बार लाइन जो है लिख के काटोगे और कई बार चेक कराओगे। सो दिस इज व्हाट आई कॉल प्रिपरेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल राइटिंग विच इज टोटली फॉर्मल। ठीक वैसे ही गाने के लिए जो आपको एनुअल फंक्शन के लिए लिखना था, ये वो नहीं था जो आपने डायरी में सीधे सीधे लिख देना था। तो प्रिपरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ए गुड राइटिंग प्रोसेस। अब प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन में आप क्या चीजें देखेंगे? तो सबसे पहली चीज है कि प्रिपरेशन में आप ये देखेंगे कि टू होम यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट, किसके लिए आप लिखने जा रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं कि किसके लिए आपने ये जो राइटिंग पीस है या जिसको लिखने के लिए कलम उठाई है,
ये किसके लिए है, ये कौन व्यक्ति है, ये कौन ऑडियंस है, या ये कौन पब्लिक है जिसके लिए मैं लिखने जा रहा हूं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कौन इससे लाभान्वित होने वाला है या किसको मैं देने वाला हूं, इसको सोचना जरूरी है, उनके लेवल्स को सोचना जरूरी है। इसलिए क्योंकि जो सेंटेंस फॉर्मेशन आप करने वाले हैं उनके लेवल का होना चाहिए। अगर आप कहीं पर कुछ कम पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करने वाले हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गो टू देयर लेवल, अदरवाइज वो आपके लेवल को नहीं समझ पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आपने प्रिपरेशन में ये सोचा कि वहां दो तरीके के ऑडियंस हो सकती है, या तो एक ऑडियंस हो सकती है कि सब एक लेवल के हो, जैसे एग्जांपल है एक क्लास, एक पर्टिकुलर कोर्स, या फिर ये भी हो सकता है कि एक पब्लिक गैदरिंग हो और अलग अलग लेवल के लोग हों। अगर एक ही लेवल के हैं सो द प्रिपरेशन इज समहाउ इजी, लेकिन अगर अलग अलग लेवल के हैं योर प्रिपरेशन और योर राइटिंग शुड बी एम्बीडेक्स्ट्रस, ऑलराउंडर, कई मल्टीपल फैसेटेड होनी चाहिए, आपको कई उनके एलिमेंट्स को छूना पड़ेगा, हर लेवल को छूना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन की डिमांड है। यानी कि अगर आप एक जगह कहीं बोलने या लिखने वाले हैं किसी खास मकसद से और वहां पर हर तरीके के लोग बैठे हैं, तो आपको कोशिश करनी होगी कि हर तरीके के लोगों में या मेरा एलिमेंट ऐसा हो कि वो ज्यादा से ज्यादा माइंड सेट को जो है सेटिस्फाई कर सके। और इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप ऐसे एग्जाम्पल पेश करें या फिर ऐसी कुछ चीजें, तो इसलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आप कभी भी किसी चीज को लिख रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन पहले से करनी होगी कि मैं जिसके लिए लिख रहा हूं वो कौन है और किस लेवल का है, नंबर एक। नंबर दो आता है रिसर्च। तो हम चलते हैं प्रिपरेशन में पहले क्या क्या चीजें थी। तो एडिक्वेट प्रिपरेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज राइटिंग ए ड्राफ्ट। तो इन प्रिपरेशन फॉर राइटिंग योर गोल इज टू अकॉम्प्लिश द फॉलोइंग फोर मेजर टास्क। नंबर वन, एस्टेब्लिश योर प्राइमरी पर्पस, कि आप क्यों लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। एसेस योर ऑडियंस, जिसको मैं समझा चुका हूं कि आप किस संदर्भ में बात करने वाले हैं और किन लोगों से बात करने वाले हैं। तीसरा, डिटरमिन द स्कोप ऑफ योर कवरेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप ये समझिए कि आपने बात तो शुरू की थी किसी खास चीज को लेके। जैसे अगर मैं यहां पर कम्युनिकेशन की बात करने वाला हूं, राइटिंग के कम्युनिकेशन की, और मैं चला गया थोड़ी देर पैरा लैंग्वेज पे, जैसे मैंने आपको बताया जो जरूरी हिस्सा था एक स्पीकिंग के लिए, लेकिन वो जरूरी हिस्सा राइटिंग के लिए भी हो सकता है। तो अगर मैं पैरा लैंग्वेज पे ही रहता और उससे आगे फिर मैं बॉडी लैंग्वेज पे आ जाता, फिर मैं नॉन वर्बल में थोड़ा और एक्सप्लोर करता, फ्रीक्वेंसी पे मैं और एक्सप्लोर करता, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन पे, तो मुझे लगता कि मैं बहुत बढ़िया इसको करता जा रहा हूं, लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक था राइटिंग वो कहीं छूट जाता। तो स्कोप का मतलब ये होता है कि आपने अपने पॉइंट को, टॉपिक को कितने हद तक स्ट्रेच करना और कहां रोकना है। यानी कि जिस टॉपिक को मैंने लिया है उसको मैं कितने हद तक ले जाने वाला हूं और किस पर जगह पर रोक देने वाला हूं, वो है स्कोप। आपको स्कोप भी डिसाइड करना होगा लिखते वक्त। तो अगर कोई चीज लिख रहे हैं, किसी रिपोर्ट को बना रहे हैं, किसी को कहीं, उसमें आपने बहुत अच्छा काम भी किया हो सकता है, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा उसमें किसी चीज को एक्सटेंड करते हैं और बियॉन्ड स्कोप चले जाते हैं जो कि उससे रिलेट नहीं होता, तो फिर वो भी नहीं है। तो आपको स्कोप को कितना कवर करना है उसको भी डिटरमिन करना होगा पहले से। और सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीडियम, तो आपको पता ही है कि आपने जो किस तरीके का मीडियम सेलेक्ट करना है। और मीडियम यही होता है कि आप कम्युनिकेशन का मीडियम कैसे सेलेक्ट करने वाले हैं, कैसी भाषा सेलेक्ट करने वाले हैं, कैसा लैंग्वेज और किस तरीके से लिखने वाले हैं, बेसिक लैंग्वेज या एडवांस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, या फिर मिडिल सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, मीडियम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, या फिर आप बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं, या किस तरीके से लोगों तक ये पहुंचाने वाले हैं। और वो मीडियम में भी आप राइटिंग में कौन सा मीडियम लेंगे, रिपोर्ट राइटिंग मीडियम लेंगे, प्रपोजल वाला है आपका, मेमोज हैं, ईमेल हैं, ये सब टेक्निकल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। तो आप कौन सा मीडियम इसमें लेने वाले हैं जिसके लिए आप अपने ऑडियंस को चुन रहे हैं कुछ बताने के लिए। तो ये सारी चीजें प्रिपरेशन में आती हैं। दूसरा स्टेप वहां था रिसर्च।
अब रिसर्च में क्या है, एक आपका नॉलेज लेवल होता है, ठीक है, और एक होता है आपके कलीग्स का नॉलेज लेवल जो आपके साथ हैं, ठीक है। एक नॉलेज लेवल आपके चारों ओर जो सोसाइटी है वर्क प्लेस में उनका होता है, और एक नॉलेज लेवल आपको मिल सकता है जैसे जिसके लिए आपने चीजें बनाई हैं उसी तरह के लोगों से आपने क्या बातचीत किया या उनसे क्या गेन किया है। इसका मतलब सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेस से ही आपको बहुत तरीके के नॉलेज डोमेन मिल सकते हैं। तो रिसर्च ये करनी है कि जिस बारे में मैं लिखने वाला हूं उसमें सिर्फ मेरे अपने ओपिनियन नहीं बल्कि मेरे साथ वाले जो हैं उनके क्या ओपिनियन है, मेरे जो आउटर एरिया में हैं उनके क्या ओपिनियन है, मेरे वर्क प्लेस में जो हैं उनके क्या, और अगर कुछ लोग इस फील्ड के महारथी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेजेंड ऑफ देयर फील्ड्स, ठीक है, तो उनसे मैं बातचीत करके कुछ वहां से भी निकाल लूं। और जब मैं इस तरीके की रिसर्च करूंगा किसी चीज को लिखने से पहले, तो मेरे पास होगा एक अच्छा इंफॉर्मेटिव डेटाबेस जिसके दम पे मैं एक अच्छी रिपोर्ट या एक अच्छा टेक्निकल पीस ऑफ राइटिंग तैयार करने में, जो ये मेरे लिए एक डेटा का काम करेगा। तो इसलिए रिसर्च जरूरी है कि अपने एक रिसर्च एम्बिडेक्स्ट्रस सॉर्ट ऑफ रिसर्च होनी चाहिए। अब आते हैं, आज की दुनिया में इंटरनेट एरा है और आप थोड़ी थोड़ी जो है देर में विद इन ए क्लिक ऑफ माउस यू कैन हैव यू कैन से दैट लॉट ऑफ डिपॉजिटरीज वेयर द नॉलेज इज यू नो प्रिजर्व। अब आपने इंटरनेट सोर्सेज उसमें जानते हैं कि कितनी सारी चीजें आप वहां से ले सकते हैं, लगभग हर चीज इंटरनेट सोर्स में अवेलेबल है, वेबसाइट्स, डायरेक्टरीज हैं, आर्काइव्स हैं, और लोगों ने खुद के ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया ग्रुप हो या डिस्कशन वाले ग्रुप्स हो, एफबी में हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। यहां से मैं रिसर्च कर लूंगा अपने टॉपिक के बारे में, लाइब्रेरीज में जाऊंगा और आर्टिकल्स देखूंगा, कुछ रिसर्च पेपर देखूंगा और कुछ प्रिंटेड सोर्स भी देखूंगा जो वर्क प्लेस में मेरे अवेलेबल हैं, और कुछ पहले के रिपोर्ट्स देखूंगा और वेब इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स और इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स सारे देखूंगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक मेरे किसी भी टेक्निकल कम्युनिकेशन से पहले के 5 स्टेप हैं। तो पहला था कि आपको प्रिपरेशन करनी है मेंटली, दूसरा था कि रिसर्च करनी है, और रिसर्च क्यों करनी है इसका एक कारण है। अब ये बताइए कि अगर आपको रिसर्च होगी तो उसका क्या फायदा होगा, रिसर्च होगी तो आपके जो लिखने का तरीका है वो ज्यादा कन्विंसिंग और मल्टीफेसेटेड हो जाता है, उसके कई एंगल दिखने लगते हैं, क्योंकि आपके जो लिखने में जो अंदाज आता है वो कई चीजों का आता है और उसमें मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम रिसर्च करें, और अगर मैं रिसर्च नहीं करूंगा तो मेरा जो राइटिंग का तरीका है वो बिल्कुल एक ही फ्लो में चलने वाला है, और दैट बिकम्स मोनोटोनस, और मोनोटोनी कम्युनिकेशन में चाहे स्पीकिंग में हो राइटिंग में दोनों में बर्दाश्त नहीं होती। आप एक किताब उठाइए, एक नॉवल उठाइए, और अगर आप 5 पेज के बाद उसे रख दे रहे हैं तो इट मींस इट बिकम्स मोनोटोनस। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो मोनोटोनस हो गया या आपके लेवल से हाई है या आपको समझ में नहीं आ रही। तो मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारा जो रिसर्च है वो हमें दो तरीके से हेल्प करता है, एक मोनोटोनी नहीं आती और दूसरा किसी भी बात को रखने में हम वेरियस एंगल को पेनेट्रेट कर सकते हैं और वेरियस एंगल्स से अपनी बात को रख सकते हैं। एक व्यक्ति जो कई क्षेत्रों का माहिर है वो जब कहीं पर बोलेगा तो उसके पास कई एग्जाम्पल होंगे जो वो कोट कर सकता है, कई चीजें होंगी जो कोट कर सकता है, कितनी चीजों के माध्यम से आपसे बातें कर सकता है। वहीं एक व्यक्ति जो एक ही क्षेत्र का माहिर है, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, रिसर्च नहीं की है, वो एक ही फ्लो में चलेगा और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बातें करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को लिखने से पहले, चाहे वो छोटा ही टॉपिक क्यों ना हो। कई बार हम सोचते हैं नहीं भैया ईमेल के लिए क्या लिखना, क्या रिसर्च करना, तो मैं आपको बता दूं कि ईमेल लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है, और ईमेल जैसी छोटी चीज जो इतनी सी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट टू कमांड टू हैव ए ग्रिप ओवर दैट। तो इसलिए रिसर्च करनी बहुत जरूरी है।
तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में ये जरूरी है, क्योंकि वी कांट टेक चांसेस, वी कांट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि हम जिन लोगों से बात करने वाले हैं अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू, दिस पीस ऑफ राइटिंग इज गोइंग टू प्रेजेंट मी और प्रेजेंट एन इंडिविजुअल, सो वी नीड टू रिसर्च इट। तीसरी चीज जो आती है राइटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आपने अभी तक रिसर्च से कुछ डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, अब उस डेटा को आप कैसे ले जाने वाले हैं लोगों के बीच में। चलिए चलते हैं एक फिल्म की कहानी पे। जब एक स्टोरी राइटर फिल्म की स्टोरी लिखता है तो वो एक स्टोरी लिख देता है और डायरेक्टर को उसने 10 पेज की एक स्टोरी पकड़ा दी, ठीक है, तो डू यू थिंक कि डायरेक्टर उस स्टोरी को वैसे ही आपके सामने ले आता है जैसे उसने लिखा है। मान लिया उसने एक मर्डर मिस्ट्री लिखी या कोई थ्रिलर लिखा, और जैसे जैसे उसने सीक्वेंस, उसने तो लिखा कि इसमें एक व्यक्ति है जिसको बेसिकली फंसा दिया जाता है और फिर वो किस तरीके के स्ट्रगल करता है, कौन उसकी हेल्प करता है, लास्ट में वो कुछ लोगों को बिल्कुल समाज के सामने बेनकाब करता है और इस तरीके से एक हैप्पी एंडिंग होती है, कुछ ऐसी कहानी है। डायरेक्टर को पसंद आई, डायरेक्टर ले गया, तो बन जाएगी फिल्म? बताइए, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि वो जो कहानी है उस कहानी को डायलॉग्स में कैसे ढालें, क्योंकि फिल्म में एक कहानी नहीं होती कि आपने कहानी पढ़ दिया, उसने कहा कि ऐसी घटना हो गई, अब उस घटना को मैं आपके सामने पर्दे में कितना लाइवली लेके आऊं कि आप लोगों के इमोशंस को कैप्चर कर पाए। तो अब काम होगा स्क्रीन प्ले राइटर का जो डायलॉग लिखेगा उस, और डायलॉग लिखते लिखते अचानक उसे एहसास हुआ और उसने डायरेक्टर को कॉल किया, हेलो सर, ये जो सीन है, ये जो तीसरा सीन है, इस तीसरे सीन को हम तीसरे नंबर पर न लाके हम सर इसको लाते हैं सबसे पहले और फिल्म को शुरू करते हैं फ्लैशबैक से और फिर आते हैं स्टोरी में। डायरेक्टर कहता है ऐसा क्यों? तो उसे कन्विंस करता है कि इसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ऑडियंस पे बहुत बढ़िया पड़ेगा एंड जो हमारा थीम है उससे हम असर डाल पाएंगे, एंड डायरेक्टर लाइक्स इट, ही गिव्स हिज कंसेंट। और इसी के साथ वो तीसरा सीन जो स्टोरी राइटर ने तीसरे नंबर पर लिखा था वो सबसे पहले आ चुका है। इसको कहते हैं किसी भी नॉवल में या स्टोरी में प्लॉट मेकिंग, यानी कि एक होती है स्टोरी, दूसरा होता है प्लॉट मेकिंग। ठीक ऐसे ही राइटिंग में आपने कुछ डेटाबेस कलेक्ट किया है, नाउ इट्स योर टर्न कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट इम्प्रेसिव, कौन सी चीज पहले प्रेजेंट करनी है, उसके बाद कौन सी प्रेजेंट करनी है और उसके बाद कौन सी प्रेजेंट करनी है। तो ये सीक्वेंस बनाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी नेसेसरी आर्ट, और इसमें आपका जो आपको डिसाइड करना होगा कि मैं इसे कैसे ऑर्गेनाइज करने वाला हूं, तो उसमें जो आपका सबसे ज्यादा रोल अदा करने वाला है वो आपका सब्जेक्ट मैटर करने वाला है। जैसे मैंने तीन एग्जांपल लिखे हैं बहुत बढ़िया यहाँ पर। एक, अगर मेथड ऑफ डेवलपमेंट किसी डेटाबेस का हमें करना है राइटिंग में, एक सीक्वेंशियल मेथड होता है। सीक्वेंशियल मेथड ऐसे सब्जेक्ट में अप्लाई होगा जहां पर कोई प्रोसेस चलती है। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात लेते हैं, आजकल आप देखें कि खूब सारे कुकिंग के चैनल आ रहे हैं, तो अब आप देखिए उसमें एक सीक्वेंस होता है कुकिंग करने का। तो अगर मुझे कोई ऐसी प्रोसेस बतानी है तो मैं सीक्वेंशियल मेथड ले सकता हूं अपने सारे डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने का जिसको मैं लिखने जा रहा हूं। एक होता है क्रोनोलॉजिकल मेथड ऑफ डेवलपमेंट। क्रोनोलॉजी मीन्स इंसिडेंसेस और इवेंट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लॉट, टाइम के हिसाब से घटनाएं कैसे हो रही हैं। तो अगर क्रोनोलॉजिकल मेथड में लूंगा लेने जा रहा हूं लिखने में, तो वो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स या हिस्टोरिकल चीजें या फिर घटनाओं को बयान करने का एक बहुत बढ़िया मेथड हो सकता है। तो इफ वी हैव ए डेटाबेस ऑफ लॉट मेनी इंसिडेंसेस, वी कैन गो फॉर ए क्रोनोलॉजिकल मेथड ऑफ डेवलपमेंट व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स और डेटाबेस। और तीसरा है कॉज एंड इफेक्ट मेथड ऑफ डेवलपमेंट। ये होता है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में हो सकता है या फिर कोई घटना ऐसी घटी जहां पर हमने एनालिसिस करना हो, तो एनालिटिकल मेथड में भी ये काम आ सकता है। तो अब मैंने ये तीन चीजों से, तीन मेथड से ये बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली मेथड ऑफ डेवलपमेंट काम करते हैं।
हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप दैट पर्टिकुलर राइटिंग, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम ऑर्गेनाइजेशन तक आ गए हैं, तो अगर किसी को इसमें कोई भी अगर कुछ चीज पूछना हो तो वो बात कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहां देख रहा हूं मैं, सर कैन यू टर्न दिस पीपीटी इन प्रेजेंटेशन मोड, तो इसमें प्रेजेंटेशन मोड क्या आपको पीपीटी पूरी दिखाई नहीं दे रही है? अभी तक आपको पीपीटी दिखी नहीं है क्या? सर पीपीटी दिख रही है सर। ओके, कुछ बच्चों का है कि ओनली फर्स्ट स्लाइड इज विजिबल। अभी सबको ऑर्गेनाइजेशन वाली पीपीटी दिख रही है कि नहीं? नहीं, फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है। आप स्लाइड चेंज करिए फिर दिखेंगे। 5 steps of writing process। अच्छा, मैं तो स्लाइड चेंज कर चुका हूँ कई बार। तो आप एक बार कीजिए, आप एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, दोबारा से स्क्रीन शेयर कीजिए, फिर हो जाएगा। वो कभी कभी इशू कर जाता है। ओके, आप बताइए चेंज हुई? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा चेंज। आपको एक बार इसको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, और फिर से शेयर करता हूँ। या ओके, अब दिखा है? अब पहली स्लाइड दिख रही है, वही 5 steps ऑफ राइटिंग। अब मूव कीजिए नेक्स्ट। अब अभी भी तो नहीं दिख रहा है। यहां तो चेंज हो गई सर प्रिपरेशन। ऐसा क्यों हो रहा होगा? वही मैं कह रहा हूं, मैं तो अपने उसमें पढ़ा रहा था, मुझे क्या पता कि ऐसा है। शिवम मेहता टू एवरीवन विजिबल है कह रहे। शिवम मेहता हो सकता है, इनके उस पर दिख रहा। देखिए, ये दूसरी मैंने खोली प्रिपरेशन, और तीसरी रिसर्च, और चौथी ऑर्गेनाइजेशन। सो एवरीवन यू प्लीज टाइप दैट फोर्थ स्लाइड इज विजिबल और नॉट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं हो तो फर्स्ट ही रही है सबको। ओके, दिस इज ए अगेन आई एम गोइंग टू शेयर इट। ठीक है, राइट, लेट्स शेयर इट अगेन। नाउ फर्स्ट स्लाइड इज विजिबल। यस सर। अगर मैं इसको बिना फुल स्क्रीन किए हुए ऐसे ही चेंज करूं तो आप स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक कीजिए। आप देखिए स्लाइड 2 देखिए। हाँ, यस यस यस, चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। तो ऐसे ही चलते हैं फिर। ठीक है, हाँ, ऐसे चलते हैं। अब प्रिपरेशन वाला दिख रहा अभी स्क्रीन पे। ओके, ये प्रिपरेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। या, या, या। ठीक है, क्योंकि हम अभी चौथी स्लाइड में है, फोर्थ पे है। ठीक है सर, और मैं फिर तीसरी स्लाइड में आया था रिसर्च, जिसके बारे में मैंने बात की थी, और इस समय हम चल रहे थे इसमें ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, और हम ऐसे ही स्लाइड चेंज करेंगे फुल मोड में, शायद कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल। ठीक है सर जी, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन पे लगभग बातें कर ली है, तो आई होप कि यहां तक लोगों के क्लियर होगा। आई एम वेटिंग, इज इट क्लियर टिल नाउ? कोई भी एक यस कर दे तो मैं आगे बढ़ूंगा कि हम कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू उदित। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट स्लाइड है, चौथा हमारा स्टेप हो चुका है, अब हम आ रहे हैं पांचवें स्टेप में, एंड दैट्स कॉल्ड आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग इज विजिबल आई सपोज। ठीक है, अगर नहीं विजिबल होगी तो आप बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से आउटलाइनिंग विजिबल है। तो आउटलाइनिंग क्या होती है, देखिए, अब आपने देख लिया कि ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। अब होता क्या है कि आउटलाइनिंग का मतलब है ब्रेक्स लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। इट आल्सो इनेबल्स यू टू एम्फसाइज की पॉइंट्स बाय प्लेसिंग देम इन द पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। अब आपको यह भी पता है कि मेरे पास क्या मैटर है, उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, लेकिन आउटलाइनिंग क्या करती है कि ये एक तरीके से फाइनल राइटिंग से पहले आपकी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप कह सकते हैं वार्मिंग अप। जब आप किसी एक्सरसाइज या जिम में कुछ काम करते हैं तो आप पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पूरी एक आउटलाइन बनानी होती है कि जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको मैं प्रेजेंट कैसे करने वाला हूं। ऑर्गेनाइज तो मैंने कर दिया, ठीक है,
अब लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं ये देखूंगा कि इस प्रोजेक्ट को जब मैं लिखने जाऊंगा, बाई स्ट्रक्चरिंग योर थिंकिंग एट एन अर्ली स्टेज, ए वेल डेवलप्ड आउटलाइन इंश्योर दैट योर डॉक्यूमेंट विल बी कंप्लीट एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड, अलाउिंग यू टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन राइटिंग। तो आउटलाइन का अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखाऊं, तो मैं आपको थोड़ी देर स्लाइड रोक के एक आउटलाइन का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि आउटलाइन हमें एक फ्रेमवर्क देती है कि मुझे जितना भी ऑर्गेनाइज मटेरियल है वो कहाँ कहाँ सेट करना है। मैंने ऑर्गेनाइज जो किया है, जैसे मैं एक प्रपोजल का आउटलाइन आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, उसके लिए आपको ले जा रहा हूं मैं स्क्रीन शेयर में फिर से। क्या ये विजिबल है? यस सर, यस सर, विजिबल है सर। ये देखिए, ये एक प्रपोजल का आउटलाइन है। इस आउटलाइन में मुझे साफ पता लग रहा है कि मुझे कहां पर क्या रखना है। जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन मेरी है उसको मैं अब लेके कहां आऊंगा। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने के लिए खोला है। इस प्रपोजल को हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एकदम डिफाइंड है कि पहले मैं प्रिफेटरी पार्ट्स लाऊंगा। प्रिफेटरी पार्ट का मतलब होता है कि शुरुआती जो हिस्से हैं, और इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसको हम लोग सब लोग प्रीफेस कहते आए हैं, PREFAC, वो प्रीफेस नहीं होता, ठीक है। हमने कम्युनिकेशन को अपने दिन पर दिन इंप्रूव करना है, तो वो प्रीफेस ना होके उसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेफेस, तो हम लोग प्रीफेस ही कहते हैं उसे। तो प्रेफिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रेफिस से ही बनाए प्रिफरेटरी पार्ट। तो इसमें पहले मैं टाइटल पेज रख लूंगा, फिर लेटर ऑफ ट्रांसमिटर रख लूंगा, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट रख लूंगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स रख लूंगा। अब आप बताइए कि जब मेरे पास ये आउटलाइनिंग है तो मैं डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ लगानी है, इस मामले में काफी ईज मुझे हो जाएगी कि नहीं? मुझे कुछ अच्छा जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या मुझे सीधे सीधे इसमें सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को सेट करना है? तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही आउटलाइनिंग कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक आपका बचपन में जिक्सॉ पजल हुआ करता था। एक मैप होता था और मैप में एक गत्ते में कुछ पीसेस कटे होते थे, मान लिया इंडिया का मैप, और सारे स्टेट अलग हो जाते थे और आपके सामने वो रख दिया जाता था और आपको स्टेट्स लगाने होते थे। अब आप एक टुकड़े को उठाते थे और जहां वो सेट बैठता था ठीक वहीं लगाते थे, ठीक है। अगर वो नहीं लगा तो वो कभी भी जिक्सॉ पजल पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही जो आपने लिखा है वो इन हेड्स पे लगाएंगे तो आप फटाफट एक बहुत प्लानिंग प्लान तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। क्यों आप बचपन में जब ऐसे लिखते हैं तो आपको यही क्यों समझ में आता है कि सारे लोग कहते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना, फिर कहते हैं कि आप ले आना प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फिर कहते हैं व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, फिर कहते हैं सॉल्यूशन लिखना और इसको एंड करना। तो पहले ये क्यों नहीं कह देते कि सॉल्यूशन लिखना है? क्योंकि वो एक करेक्ट आउटलाइनिंग नहीं है, वो ऑर्गेनाइज डेटा को सही तरीके से नहीं लेके आएगी। तो अगर हम ऐसे आउटलाइनिंग कर लें कि मुझे कैसे ले जानी है अपनी रिपोर्ट या अपनी राइटिंग, मान लिया मैं ईमेल ही लिख रहा हूं, ईमेल में मैंने लिखना है कि किसी चीज के लिए किसी को सॉरी बोलना है कि आप कोई काम सही समय पर नहीं कर पाए, तो आपको पहले पूरा प्लान करना पड़ेगा। तो आप पहले रफ पेपर में लिख लेंगे कि मैं कैसे जाऊंगा। सबसे पहले मैं वहां पर ग्रीटिंग करूंगा, नंबर एक। नंबर दो, ग्रीटिंग के बाद मैं उस डेट के का वर्णन करूंगा जब मुझे वो काम मिला था। नंबर थ्री, उस डिस्क्रिप्शन के बाद मैं अपने जो है रीजंस बताऊंगा कि उस समय मैं ये करने में क्यों असफल रहा। और चौथा, मैं ये करने के बाद अब मैं उसके लिए पार्डन
यानी कि अपनी एक्सक्यूज बताऊंगा, यानी कि मैं माफी मांगूंगा उसके लिए, सॉरी बोलूंगा, और सॉरी बोलने के बाद लास्ट स्ट्रक्चर में मैं ये करूंगा कि मैं ये भी बता दूंगा कि मैं विद इन कितने दिन या कितने घंटे इसको आपको करके देने वाला हूं, और लास्ट में इतना कहने के बाद मैं ये भी कहने वाला हूं कि मेरे जो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन को एक इनकन्वीनियंस हुआ उसको लिए मैं रिग्रेटफुल हूं, और लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो मैंने ये सारे एक रफ पेपर में नोट कर लिया और उसके हिसाब से मैंने अपना जो है पूरा राइटिंग ड्राफ्ट कर ली। तो ये कहलाता है आउटलाइनिंग, इसलिए आउटलाइनिंग का एग्जांपल देने के लिए मैं आपको यहां पर लाया था, और आउटलाइनिंग इज दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम वहीं आ जाते हैं, आउटलाइनिंग में हमने हो गई है, और लास्ट स्टेप प्रोसेस राइटिंग, और इसमें अब हम थोड़ा लंबा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो हमारी स्कूलिंग से हमें राइटिंग में प्रॉब्लमेटिक है। जैसे अब जब हमारे पास सारा है, अब हमें सिर्फ लिखना है। इससे पहले मैं एक और मेथड की बात करता हूं। देखिए, कभी भी आपको राइटिंग लिखनी हो, कोई भी टेक्निकल राइटिंग, तो एक और बढ़िया चीज होती है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज, फॉरेन स्कूलिंग सिस्टम में बहुत सिखाई जाती है। हमारे स्कूलिंग सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ अच्छे स्कूल तो ये करते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह ये मौजूद नहीं है, जो राइटिंग के लिए या स्पीकिंग के लिए बहुत एसेंशियल होती है, अच्छे पॉइंट नोट डाउन करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग यह है कि जब भी आप किसी टॉपिक पे कुछ लिखने जा रहे हो और आपके पास कुछ डेटाज हो, तो उसके लिए आप अपने माइंड में जितने भी थॉट हैं या डेटा है उनको लगातार आप किसी कागज पे जॉट डाउन करते रहते हैं जब तक वो थॉट्स आते रहते हैं। और जब थॉट आपके सारे आ गए हैं तो आप उसे जो आपने आउटलाइनिंग की है उसके हिसाब से नंबरिंग दे देते हैं कि ये आउटलाइनिंग नंबर 2 वाले में ये वाला थॉट चला जाएगा, ये 1 वाले में, ये 3 वाले में। और जब ये सारा हो जाता है तो जितना आपको पेपर भरा हुआ है आपका थॉट्स से, वो थॉट्स अपने को एक रिदम में ले आते हैं, और फिर आप केवल अपने लिखते वक्त वहां से थॉट पिक करते रहते हैं और उसे लिखते रहते हैं। इससे लिखने की बहुत आसानी हो जाती है। तो राइटिंग में आपको जब भी पैराग्राफ लिखने बैठेंगे तो एक्सपेंड यूअर आउटलाइन इनटू पैराग्राफ्स। आप अपने आउटलाइन को आप इलेबोरेट करके पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कीजिए। और अभी लिखते वक्त आप एक चीज का खास ख्याल रखेंगे कि ग्रामर, लैंग्वेज और पंक्चुएशन का अभी बिल्कुल जितना आपको आता है वैसे करते जाइए फ्लो में, और अभी बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं रहना उसके लिए। अगर आप ग्रामर, पंक्चुएशन और इसके लिए अलर्ट रहेंगे तो इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है बता देता हूं कि आपने सोचा ये सही है या गलत, ये लेस्ट का यूज यहां करूं कि नहीं, या ये कैसे होगा। जरा मैं एक रेफरेंस बुक में देख लेता हूं ग्रामर की, और आप देखने लगे तब तक जो थॉट का फ्लो था, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कोहेरेंस, फ्लो के बाद फ्लो और फ्लो के साथ थॉट चलना चाहिए, वो फ्लो टूट जाता है, दैट गेट्स ब्रोकन यू नो, एंड देन आप उसको फिर उसी थॉट्स में पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि आपने अपने थॉट्स को फ्रेगमेंटेड कर दिया। आप कुछ ग्रामर के रूल देखने चले गए थे, कुछ आप कुछ ग्रामर के तरीके या सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखने चले गए थे या पंक्चुएशन को। तो पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू डिसाइड योर प्रायोरिटी, एंड प्रायोरिटी इज कि आपको अपने थॉट्स को प्रायोरिटी देनी है इस समय लिखते वक्त। और अभी ग्रामर, रिफाइनमेंट और पंक्चुएशन को छोड़ के आप जो आ रहा है जैसे आपने सेट किया उस हिसाब से लिखते रहें। देन कंसीडर राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि जनरली क्या होता है कि लोग इंट्रोडक्शन को लिखते हैं पहले और उससे शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जब आप शुरू में लिखते हैं ना, तो एक चीज होती है कि आपने पूरा आर्टिकल या पूरा प्रपोजल या पूरी रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो आप अभी उसका पूरा फील नहीं ले पाए होते हैं। और एक अच्छा इंट्रोडक्शन वही होता है जिसमें पूरा फील आ जाए शुरू में कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो मेरा यह सजेशन है कि आप पहले जो आपके आइडियाज हैं उससे लिखते हुए लास्ट तक पहुंचे। अच्छे अच्छे टेक्निकल राइटर और अच्छी टेक्निकल राइटिंग की बुक्स यही सजेस्ट करती हैं कि आप पहले लास्ट तक आइए
अब आपका पूरा फील हो गया है उसके साथ कि आपने क्या लिखा है। उस फील के साथ अब आपको माइंड में एक जिसे कहते हैं पैराफ्रेज करने में, उसको बहुत शॉर्ट करने में बहुत आसानी होगी कि मैं इंट्रोडक्शन कैसा लिखूं। ठीक वैसा ही रिसर्च पेपर में भी होता है, आपको बताऊं। पहले आप पूरा रिसर्च पेपर लिख लीजिए और उसके बाद आप फील कर पाते हैं कि व्हाट दिस रिसर्च पेपर इज ऑल अबाउट, और वो आता है 200 या 250 का एब्स्ट्रैक्ट, 250 शब्दों का। तो एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन अगर बाद में लिखा जाए दैट इज क्वाइट कन्विंसिंग इन कंपैरिजन टू दैट व्हिच इज रिटन एट द अर्ली स्टेज ऑफ राइटिंग। इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आप पूरा लिख लें और इंट्रोडक्शन के लिए आप स्पेस रखें। इंट्रोडक्शन अगर फील के बाद लिखें तो ज्यादा अच्छी राइटिंग होती है। दूसरी बात आती है कि फाइनली जब आप कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूजन में जितने भी ऊपर स्टेप हैं उन वो सारे स्टेप ऐसे धागे के साथ बंधे, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे एक धागे से पिरोया हुआ हो। तो कंक्लूजन में एक ऐसा फ्लो आना चाहिए कि ऊपर से लेके नीचे तक जितने आइडियाज हमने डिस्कस किए हैं वो बहुत फ्लो के साथ लॉजिकली शॉर्ट में जुड़ रहे हैं। यानी कि सिर्फ पहले पैराग्राफ की आत्मा, सोल ऑफ द फर्स्ट पैरा, सोल ऑफ द सेकंड पैरा, सोल ऑफ द थर्ड पैरा एंड फोर्थ पैरा दैट गेट्स इनवीव्ड टुगेदर, वो एक साथ वीविंग हो जाएगी एंड दैट बिकम्स ए क्वाइट फ्लोफुल कंक्लूजन, और वो बहुत ही अच्छा कंक्लूजन बन सकता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने डिस्कस करनी है राइटिंग के, जो प्रैक्टिकल ज्यादा है। प्रैक्टिकल ये है, सर राइटिंग तो कर लें लेकिन सर वो स्ट्रक्चर से ही नहीं पता राइटिंग के। तो आप में से कितने लोगों को राइटिंग करने में परेशानी होती है, उसके लिए मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं। कितने लोग राइटिंग करते वक्त फील करते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड परेशानी, और कैसे प्रेजेंट करें थॉट्स उससे रिलेटेड परेशानी, या फिर हम कैसे किसी चीज को लिखें यही समझ में नहीं आता? तो आप कुछ आप अपने शेयर कर सकते हैं आइडियाज। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं कि कुछ ऐसी परेशानियां जो आपको लिखते वक्त आती हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल होगा कि अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो उसका मैं कुछ बता सकता हूं एग्जाम्पल। ओके, तो अभी कोई मेरे पास यहां क्वेश्चन टाइपिंग नहीं आई है। ओके, कुछ मैसेज शायद आए हैं, ठीक है, अभी नहीं आए। ओके फाइन, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको राइटिंग में कोई परेशानी नहीं है तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यू ऑल हैव ए गुड कमांड ओवर राइटिंग एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश राइटिंग, एंड दैट्स प्रेटी गुड साइन। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जो राइटिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे ज्यादा काम आते हैं, जिसको हम लैंग्वेज की दुनिया में रेटोरिक्स कहते हैं, रेटोरिक्स। ओके, एक आया है गणेश रावत जी का, वो है सेंटेंस फॉर्मेशन में मुझे दिक्कत है, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर आपको दिक्कत है तो होता क्या है कि मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा और एंड यू विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। क्यों? बिकॉज वी हैव डन इट विद मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑलराइट, वो प्रैक्टिकल चीज क्या है, अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है, जैसे एक बड़ी गजब की चीज हमारी सोसाइटी में है कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखना है, यहां से लेके चलते हैं कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, प्लीज टेल मी द वे आउट। और लोग उन्हें सबसे पहला सजेशन क्या देते हैं जानते हैं? लोग सबसे पहला सजेशन देते हैं स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड नाउ यू टेल मी, जो न्यूज़पेपर लिखने वाले लोग हैं क्या वो इंग्लिश के कम जानकार लोग हैं या क्या वो इतनी इजी इंग्लिश लिखते हैं? अब आप कहते हो अरे वाह स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, तो आप चल पड़ते हैं एक रीडिंग न्यूज़पेपर करने के लिए। और फिर कुछ और समझदार लोग कहते हैं द हिंदू पढ़ो, द हिंदू में बैठे हुए लोग इंडिया के अंदर बेस्ट एडिटर्स में से हैं, जिनकी लैंग्वेज स्किल्स मेटिकुलस है, ठीक है। और अब आपने खोल दिया अखबार
और हर एक सेंटेंस के बाद आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है। थोड़े दिन बाद, एक दो दिन तो आपने अपनी जो है फोर्टिट्यूड को जिंदा रखा कि आई विल नॉट बी डिफीटेड, आई विल नॉट बी डिफीटेड, लेकिन 2-3 दिन बाद आपका पूरा इंटरेस्ट चला गया। ठीक वैसा ही ये सबसे गलत जो तरीका है ये है, मैं आपको बिल्कुल बोल्डली ये चीज को एडमिट कर रहा हूं कि जो भी कहता है कि रीडिंग न्यूज़पेपर एक स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का एकमात्र बढ़िया साधन है या बढ़िया साधन है, आई डिनाई दैट, आई शन दैट। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप कभी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर से शुरू मत कीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए बच्चों की छोटी छोटी स्टोरी बुक्स से। पहले आपके अंदर इंटरेस्ट तो जगे, पहले आप छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन को तो समझें, फिर थोड़ा अच्छी स्टोरीज से, और फिर जाके बहुत इजी बुक्स से, और तब जाके आप बढ़ाएंगे। अखबार की बारी तो बाद में आएगी, नहीं तो आपके लिए एक ही अखबार काफी है पूरे साल भर चलाने के लिए अगर आप अखबार पढ़ने लगे तो स्टार्टिंग में। ठीक वैसे ही जब राइटिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात आती है तो कमी होती है हमारे स्कूलिंग सिस्टम में। उन्होंने हमें सेंटेंस में क्रिएटिव राइटिंग में इतना बढ़िया नहीं बनाया, वो हमें रटे रटाई सेंटेंस पढ़ाते थे और एक गाइड से कुछ लिखाते थे और वो समझ पाए, हमारी क्रिएटिव जो हॉराइजन्स है उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आप करके देखिएगा। अगर आपको राइटिंग में सेंटेंस स्ट्रक्चर में कमांड करनी है तो मैं राइटिंग करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पहले आप अच्छी चीजों को और अच्छे राइटर्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप पहले अच्छी स्टोरीज पढ़िए, आप अच्छी बुक्स पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप कुछ और चीजें पढ़िए जो आपको इंटरेस्ट देती हैं, तो आपको अचानक पता चलेगा कि खास सेंटेंस आपके सामने आया और वो खास सेंटेंस आप समझ नहीं पाए, या फिर आपको बहुत अच्छा लगा किसी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका और आपने वो तुरंत पकड़ लिया कि दिस इज हाउ वी कैन से द सेम थिंग विच वी से इन जनरल इन ए वेरी इनफॉर्मल वे। तो हमें कई चीजें, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक वैसे ही है समझने के लिए जैसे हमें म्यूजिक में ट्यून होना पड़ता है। अगर आप किसी म्यूजिक को सीखने जाते हैं तो पहले आपको केवल इंस्ट्रूमेंट के साथ ट्यून होने में ही 1-2 महीने लग जाते हैं, तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ज्यादा तो सेंटेंस हमारे सबकॉन्शियस में ज्यादा बैठेंगे और एक रोज आपकी पेन से एक बहुत अच्छा सेंटेंस निकलेगा जिसमें आप खुद भी आश्चर्य करेंगे। तो फॉर एनी काइंड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग बोथ वी नीड टू रीड ए लॉट। तो रीडिंग इज द ओनली थिंग वेयर वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। हमने जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे हमें यह तक पता है कि हमने वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कहां से लिया था। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थर हेली की द इवनिंग न्यूज नाम की एक नॉवल पढ़ते हुए मैंने बस के अंदर एक पहली बार जब सेंटेंस सीखा और वो था कि हैड आई वॉज एंड और हैड आई बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव डन दैट। तो ये एक खास सेंटेंस स्ट्रक्चर था जिससे बहुत बढ़िया पता चला कि अगर मैं इफ वाले से नहीं यूज करूं तो हैड वाला भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। ये वही चीज है जो इफ कंडीशनल को बताता है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चलता है। और दूसरा, जब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता लगने लग जाता है और फील करने लगते हैं तब आप शुरू करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कॉन्शियस जानकारी। कॉन्शियस होना होता है कि आप अब आप खुद में से ढूंढने लगते हैं कुछ अच्छी चीजें। जैसे कई सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे स्कूलों से खराब किए गए हैं, जैसे आप दो फ्यूचर को बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जिंदगी में यूज करते आ रहे हैं। If you will go to market, I will also accompany you. अगर तुम बाजार जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। No, two future cannot be together. अगर आपने if के साथ conditional use करना और future के लिए, तो first sentence should be present indefinite. If you go to market, I will also accompany you. तो ये sentence इतना easy है लेकिन अभी भी ये सही जगह पे नहीं बोलते हैं लोग और ये जो है गलत बोलते हैं। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसका हमें कभी पता ही नहीं चल पाता वो हमारे साथ आते हैं और वो अगर कोई बताने वाला ना हो तो वो गलत हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर नाउन्स की गलतियां हमें पता नहीं होती, कहीं पर एडजेक्टिव की पता नहीं होती, कहीं पर वर्ब की, कहीं एडवर्ब की। तो ये सारी चीजों के लिए ग्रामर और स्ट्रक्चर की जानकारी आपको सबसे ज्यादा फील होगी जब आप रीडिंग करोगे।
और रीडिंग के बाद आपको जब रियलाइज होने लगेगा दैट यू आर गेटिंग ट्यून्ड विद द लैंग्वेज, आप एक दो महीने तक तो आप ये छोड़ दीजिए कि कोई चीज आने वाली है, एक दो महीने के बाद ट्यूनिंग के बाद इंटरेस्ट आएगा एंड देन यू कैन गो इनटू गुड और बेटर सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आप रीड, यू रीड अ लॉट प्लीज एंड देन यू ट्राई दीज सेंटेंसेस वट एवर यू आर गोइंग थ्रू एंड वट एवर यू आर कमिंग अक्रॉस देन यू स्टार्ट राइटिंग दैट। और दूसरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होते हैं वो होते हैं, आप किसी भी दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए रोज 4 से 5 लाइन या 7 लाइन या 10 लाइन। हम लोग बेसिकली लिखने से दिल चुराते हैं। और एक बहुत बड़े एसेइस्ट हुए हैं फ्रांसिस बेकन, उन्होंने कहा है कि जो रीडिंग है वो बेसिकली एक कंप्लीट आदमी को बनाती है, यानी रीडिंग से आपके पास नॉलेज आती है। कॉन्फ्रेंस एक रेडी मैन को बनाती है, कॉन्फ्रेंस मेक्स ए रेडी मैन, यानी कि अगर आप डिस्कस करते हैं तो आप हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज के लिए, आर्ग्यूमेंट अच्छे देने के लिए। लेकिन राइटिंग मेक्स अ एन एग्जैक्ट मैन, अगर आप रोज लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक बहुत ही एग्जैक्ट आदमी बनते हैं, यानी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एग्जैक्टनेस आनी है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो नंबर टू थिंग इज यू राइट ए लॉट and daily you write at least one or two things, और किसी भी दुनिया के बारे, किसी भी टॉपिक के बारे में आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये राइटिंग के कुछ जो टिप्स हैं वो आपको मैंने दी, ठीक है। और इसके लास्ट में आ रहे हैं रिवीजन। रिवीजन में है, एक बार में पूरा रिवाइज मत करो, अपने रफ ड्राफ्ट को जो पहले लिखते हैं वो पूरा होता नहीं है बेसिकली, तो वो रफ ड्राफ्ट जो है उसको कई बार पढ़ो और हर समय आपको कुछ ना कुछ चीजें दिखेंगे जिसको आपने सही करना है। पहले बड़े इश्यूज, बड़े थीम पे फोकस करो कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो पूरा है। देखिए यूनिटी एंड कोहेरेंस एक बातचीत लाए हैं, यूनिटी एंड कोहेरेंस का मतलब है कि आपके फ्लो में थॉट होने चाहिए, यूनाइटेड होने चाहिए, बिखरे हुए नजर नहीं आने चाहिए। और मैकेनिकल करेक्शन जो करते हैं आप, टाइपोज, टाइपिंग के एरर और जो इधर उधर स्पेलिंग की, उसको सेव कर लें वहीं पर, और स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन को अब करेक्ट करना स्टार्ट करें। और फिर स्पेलिंग और करेक्शन जो पंक्चुएशन है वो लास्ट में ही होता है करेक्ट, जिसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। इसके लिए हम कई बार दूसरे की हेल्प भी लेते हैं, तो ये क्योंकि हम दूसरे की हेल्प इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि स्पेलिंग और पंक्चुएशन एक ऐसी चीज है जो हमारी नजरों से बच जाती है अक्सर। क्यों बचती है? क्योंकि हम लोगों की या तो कुछ गलत आदतें होती है लिखने की, या हमें सही लगाने नहीं आते, या हम जनरली वहां लगाते ही नहीं है वो पंक्चुएशन जो लगने चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि स्पेलिंग तुम्हारी बचपन से ही बहुत सारी जो है वीक हो जाती है, तो इसलिए वो किसी और से भी चेक करानी चाहिए एक बार जो जानकार हो। तो इस तरीके से हम जब रिविजन करते हैं तब बनती है एक परफेक्ट राइटिंग का पीस। सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट हाउ टू राइट गुड थिंग्स और हाउ टू राइट इन ए परफेक्ट वे। अगर मैं कहूं कि इस पूरे सेशन का सिग्निफिकेंस इस बात पे है कि कैसे लिखा जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको इतना समझाया। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक गणेश रावत जी का है, किसी गिवन टॉपिक पे लिखना है तब फ्रेमवर्क कैसे देंगे, मतलब क्या चीज पहले लिखना और क्या बाद में, ओके और एक है इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो दो चीजें मैं आपको बताता हूं, पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्योंकि छोटी बात है, और उसके बाद मैं बड़े टॉपिक पे आऊंगा जो गणेश जी का है। देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात दो ही है, बहुत प्रैक्टिकल। एक वही जो मैंने कहा था, रीड ए लॉट, पढ़िए बहुत। दूसरा स्पीक ए लॉट, बोलिए बहुत चाहे खुद में ही। और तीसरा बड़ा प्रैक्टिकल है, वो सुन के आपको हंसी भी आ सकती है लेकिन वही सबसे जबरदस्त है, और वह है वट एवर यू थिंक इज इंसल्टिंग यू, प्लीज मेक योर इंसल्ट, प्लीज अपनी इंसल्ट करवाइए बहुत। अब आप कहेंगे ये क्या है, क्योंकि जैसे ही आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो आप हेजिटेट करते हैं, मैं बोलूंगा चाहे गलत होगा, कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे इमेज तो खराब नहीं होगी। नो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आपके लिए सेकंड लैंग्वेज है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली टू बी
टू फील इंसल्टेड, यही सबसे बड़ा हिंड्रेंस है भाई प्रैक्टिकली, जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकता है। आपको अगर सोचते हैं कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो जहां सोच रहे हैं वहीं जाके इंसल्ट करवाइए, डू इट। दो ही बातें होंगी, या तो होगा कि आप पे लोग हंसेंगे तो वो आपको चैलेंज करेगा आगे के लिए, और या ये होगा कि जो है आपको लगेगा कि मुझे और बेहतर करना है और मुझे इनके ही सामने बोल के दिखाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, चैलेंजिंग, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो आप अपने को चैलेंज करने के लिए वो करिए, क्योंकि इसके इतने एग्जाम्पल है, जितने लोग भी हमसे इंग्लिश सीखे हैं या बोलना सीखे हैं, वो पहले बहुत घबराते थे, और वो सिर्फ एक ही चीज से घबराते थे, हेजिटेशन कम्स आउट ऑफ द फियर ऑफ इंसल्ट। सो हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए तो दो तीन चीजें हैं, पढ़िए ज्यादा, बोलिए ज्यादा, अपने मन से रोज कुछ ना कुछ बोलिए, इस पर एक पूरा बड़ा सेशन हो सकता है, और तीसरा है कि इंसल्ट करवाने के लिए तैयार रहिए, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तीसरा, अब एक क्वेश्चन था इनका कि किसी गिवन टॉपिक पर लिखना है तब फ्रेमवर्क कैसे करना है। अगर आपको गिवन टॉपिक पर लिखना है तो फ्रेमवर्क के लिए सबसे पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। आप पेंसिल उठाइए, पेन, एक रफ पेपर खोलिए, सेंटर में उसका नाम लिखिए, मान लिया ड्रग एडिक्शन, और उससे एरो लगाते जाइए, और थॉट्स जितने आ रहे हैं सब लिखते जाइए, जितना जो आ रहा है, आप ये मत देखिए किस फ्लो में। और जब ये लिख लेंगे तो आपके जितनी चीजें वहां होंगी, जब आप उनको गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि लोनलीनेस एंड इग्नोरेंस ऑफ चिल्ड्रन, तो ये मुझे रीजन नजर आ रहा है, तो एक हेडिंग तो मैं रीजन लाऊंगा। फिर एक चीज नजर आ रही है कि बहुत सारे लोग, एक आंकड़े कह रहे हैं कि इतने सारे जो है लोग ड्रग एडिक्ट हैं, इतनी एज के बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो ये मुझे ना रीजन नजर आ रहा ना कुछ, लेकिन ये प्रेजेंट सिनेरियो नजर आ रहा है, तो इसको मैं प्रेजेंट सिनेरियो लिख देता हूं। तीसरा कि एक जगह पे मुझे ये लग रहा है कि मेडिटेशन बहुत अच्छा क्योर कर सकता है लोगों को, ये मुझे सॉल्यूशन नजर आ रहा है, सॉल्यूशन, तो आप लिखते जाइए, और तब आपको पूरा दिखने लगेगा कि अरे ये तो पूरा फ्रेम हो गया। एक ये कह रहा है कि ये प्रेजेंट सिनेरियो है तो इसको मैं शुरू में ले आऊंगा, रीजन कह रहा है इसको मैं दूसरे पैरा में ले आऊंगा, सॉल्यूशन तीसरे, तो ऐसे करके आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए जब कोई टॉपिक दिया होता है, तो यही चीज आपको लिखने के लिए सबसे बढ़िया होगी, ठीक है। तो राइटिंग में मेन प्रॉब्लम इसीलिए कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं होता शुरू कहां से है, क्योंकि अभी विकास चंद पूछ रहे हैं कि राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि हमें शुरू कहां से करना और खत्म कहां से करना ये नहीं पता होता। तो शुरू कहां से और खत्म के लिए आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग की आदत डालनी चाहिए। आज आप नेट में या गूगल करके ब्रेन स्टॉर्मिंग सीखिएगा और तरीके देखिएगा, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के लिए आपके पास इतना, आई मीन यू आर सो ब्लेस्ड कि आप इस इंटरनेट एरा में जी रहे हैं, जहां हर चीज पे आपके क्लिक पे जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है। और दूसरा आप कीजिए, रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग की, थोड़े थोड़े, चाहे दो सेंटेंस, और तीसरा पढ़िए जरूर, ठीक है। अब मेरे पास टाइम है सिर्फ 10-15 मिनट, तो मैं आपको कुछ चीजें फटाफट ईमेल के बारे में बता देता हूं। ईमेल भी एक टेक्निकल राइटिंग का ही जो है, ये वर्क प्लेस में बहुत काम आती है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक फाइल भी शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, चाहे कलीग्स हो, क्लाइंट्स हो या कस्टमर्स हो। तो मैं इसके बाद सीधा अगले स्लाइड में चले जा रहा हूं, केवल मेन में। तो ईमेल में क्या होता है, देखिए बहुत जरूरी चीज है कि कंसीडर द कंटेंट ऑफ ऑल योर मैसेज इन द लाइट ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज एंड केयरफुली रिव्यू योर टेक्स्ट बिफोर यू क्लिक सेंड। इससे पहले कि आप सेंड करें, आपको कुछ चीजों को देखना है, वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टैलिस्मैन कहते हैं ना, टैलिस्मैन जिसे कहते हैं मंत्र, एक मंत्र दे रहा हूं आपको, ठीक है। वो मंत्र ये है कि जब भी आप किसी भी ऑफिशियल मेल को लिखना स्टार्ट करें, तो किसको भेज रहे हैं वो कभी टाइप ना करें पहले टू। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, टू को आप सबसे बाद में लाइएगा। वो इसलिए कि कभी कभी हमने ड्राफ्ट किया होता है, या गलत ही ड्राफ्ट किया होता है, या गलती से कोई अटैचमेंट लगा दिया होता है दूसरा,
और वहां टू होता है या गलती से कोई टैप हो गया और सेंड हो गई मेल, तो मेल एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी तरीके से करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आपका टू नहीं होगा टाइप किसको भेज रहे हैं तो वो मेल जाएगी नहीं, क्योंकि वो बार बार आपसे ये पूछेगा कि किसको आपने भेजना है। तो ये गुरु मंत्र है, समझ लीजिए, इट इज अ टैलिस्मैन। नेवर टाइप द पर्सन्स एड्रेस बिफोर टू हुम यू आर सेंडिंग द मेल। व्हेन यू आर ऑल फिनिश्ड विद एवरीथिंग एंड यू हैव रिवाइज्ड योर डॉक्यूमेंट एंड यू हैव सीन एंड यू आर कंफर्म दैट इट इज गोइंग टू बी अ राइट मेल, देन यू टाइप द नेम ऑफ दैट पर्सन टू हुम यू आर सेंडिंग द मेल। इज इट ओके? तो एक तो ये मंत्र याद रखेगा। अब वो कहता है कि जब आप सेंड करें उससे पहले अपनी मेल को अच्छी तरह रिव्यू कर लें, जिससे बाद में कोई इंसल्ट फील ना हो, एम्बरेसमेंट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कभी केयरलेस मैसेज के जाने से। और ये मैंने बता दिया कि टू को लास्ट में लिखें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मेल के बारे में एक है। दूसरी चीज, कुछ नेटिकेट्स होते हैं, एक एटिकेट होते हैं जो हमें सोसाइटी के साथ जो है फील करने होते हैं, सोसाइटी के साथ हम एटिकेट्स में चलते हैं। एक नेटिकेट्स होते हैं जब हम नेट को यूज करते हैं ईमेल को, तो उसमें कुछ एटिकेट्स को, नेट के एटिकेट्स को नेटिकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो कुछ नेटिकेट्स आपको दिखा रहा हूं, वो आप मैं फटाफट पढ़ दूंगा और समझा दूंगा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल्स जो आपके पास आती हैं उन्हें पढ़िए और देखिए कि आप वो किस तरीके से लिखी गई हैं और वो कैसे तरीके का फ्रेमिंग करते हैं। वो भी एक पॉलिसी होती है, कभी कभी पॉलिसी भी होती है कि आपकी ईमेल पॉलिसीज क्या ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी देख लीजिए। कभी भी जोक, कोई स्पैम या ऑफिस की गॉसिप और या फिर बायस्ड लैंग्वेज मेल में ना यूज करें। बायस्ड का मतलब कोई जाति सूचक शब्द किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करता हुआ, कुछ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल हमेशा बायस्ड हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी मेल में अपना विचार न लाएं। मेल में जो भी चीज होनी चाहिए वो सिर्फ पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन, पिन पॉइंटेड आपका जो उद्देश्य होता है उसमें, और वो इस ओर से न्यूट्रल होनी चाहिए कि वो नॉन बायस्ड रहे, कोई भी चीज बायसनेस की ना हो। उसके बाद कोई भी फ्लेम्स न भेजें। फ्लेम्स का मतलब होता है इंटरनेट की भाषा में कोई भी एब्यूजिव कंटेंट, किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हुए कोई भी डेरोगेटरी लैंग्वेज या किसी की बेइज्जती करते हुए कोई भी मेल कहीं ना भेजें। तुमने सोचा कि इसकी इस हरकत को मैं सबके सामने जो है उजागर करूं, तो दैट इज कॉल्ड अ वेरी अब्यूजिव लैंग्वेज। इसके लिए आपके बहुत रिपरकशंस हो सकते हैं उसके अंदर, फॉर्मल और टेक्निकल राइटिंग के अंदर। डू नॉट यूज एन ईमेल अकाउंट विद ए क्लेवर और हॉबी रिलेटेड एड्रेस। अपनी ऑफिशियल ईमेल में अपने हॉबी रिलेटेड एड्रेस या कोई फेक अकाउंट, ऐसी मेल को यूज मत कीजिए कभी भी, क्योंकि इसका अच्छा असर नहीं होता और ना ही ये कहीं पर आपके लिए अप्रूव किया जाता है कि आप कुछ ऐसे फेक एड्रेसेस से मेल भेजिए। फोकस ऑफ योर मैसेज टू हेल्प रेसिपिएंट मैनेज देयर ईमेल। एडॉप्ट फॉरवर्डेड मैसेज, रिवाइज द सब्जेक्ट लाइन टू रिफ्लेक्ट द करेंट कंटेंट एंड कट इरिलेवेंट प्रीवियस टेक्स्ट बेस्ड ऑन योर पर्पस एंड कंटेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको कोई फॉरवर्ड करना हो मैसेज, तो आप देख लीजिए जो आप जिसको फॉरवर्ड कर रहे हैं उसकी सब्जेक्ट लाइन को आपने क्या लिखा है, और आप जो जिस पर्पस से लिख रहे हैं उस संदर्भ में उसको वो बता जरूर दीजिए कि किस कंटेक्स्ट में। एक होता है मेल में सीसी और एक होता है बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कॉपी। तो इसको बहुत कंसीडर कीजिए कि आपको किसको भेजना है सीसी और किसको बीसीसी। ठीक है, तो बेसिकली आप हमेशा जो भेजते हैं ईमेल में वो जो इंपॉर्टेंस के हिसाब से भेजते हैं कि किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद किसके पास ये मेल जानी चाहिए, और आप जिसको भी समझते हैं कि ये सूचना जिसके लिए सिग्निफिकेंट रेलेवेंट होने वाली है आपके ऊपर सीनियर में या आपके कलीग्स में या आपके डायरेक्टर्स में कहीं भी, तो उनको सीसी या बीसीसी करके इंफॉर्मेशन जरूर दें, क्योंकि अगर उनके सामने भी ये कोई इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का मसला है तो सारे लोगों पे ये इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद इंक्लूड ए कवर मैसेज फॉर ऑल ईमेल मैसेज विद अटैचमेंट। अगर कभी आपने कोई डॉक्यूमेंट या पीडीएफ या कोई फोटोग्राफ अटैच किए हैं
तो आपको एक लाइन लिखनी चाहिए हमेशा, वो लाइन मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दी है, वो लाइन ऐसे ही लिखनी चाहिए, अटैच्ड इज ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट फॉर योर रिव्यू, अटैच्ड इज ए कॉपी ऑफ डॉक फाइल फॉर योर रिव्यू, अटैच्ड इज द पीडीएफ फॉर योर रिव्यू। तो ये आपको ये लाइन को जरूर लिखना चाहिए अगर कोई अटैचमेंट दिया हुआ हो, ये सब नेटिकेट्स हैं। और कवर लेटर में आपको देना है कर्टसी रिस्पॉन्स, आपकी विनम्रता भी झलकनी चाहिए किसी को दिखाने में, ठीक है। तो अगर कर्टसी रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर आपने कुछ दिन और मांगने हैं, यू नीड ए फ्यू डेज, या फिर कुछ और चीज को बढ़ाना है या कुछ टाइम बढ़ाना है, तो आप उसमें विनम्रतापूर्ण निवेदन कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। अवॉइड ईमेल एब्रीविएशन, देखिए व्हाट्सएप लैंग्वेज या शॉर्ट एब्रीविएशन को ईमेल में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह एक पूरी तरह टेक्निकल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसको आपको क्लियरली लिखना चाहिए। और डू नॉट यूज इमोटिकॉन्स, कीबोर्ड करेक्टर यूज मत कीजिएगा, नेटिकेट्स में ये नहीं आते कि आपने एक हंसता हुआ इमोजी डाल दिया या खुश होता हुआ या फिर कुछ साइन डाल दिया ऐसे, तो इमोटिकॉन्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्रोफेशनल ईमेल्स में, और इसलिए टेक्निकल कम्युनिकेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। हियर वी हैव टू बी वेरी पिन पॉइंटेड सो दैट ईच एंड एवरी वन कैन गेट द इंफॉर्मेशन एंड ईमेल, व्हाट ईमेल इज मेंट फॉर कैन बी रेड फॉर दैट। एक क्वेश्चन आया है कि कैन वी राइट प्लीज फाइंड अटैच्ड कॉपी फॉर योर रेफरेंस, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इसका मकसद मेरा यह था बताने का कि आप अगर अटैचमेंट जोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे एक फ्रेजेस या सेंटेंस जरूर होने चाहिए जहां पर उसे ये पता चले कि देयर इज समथिंग अटैच्ड। कई बार बिजी होने की वजह से आपका जो है लोग नीचे स्क्रॉल नहीं करते और वो देखना भूल जाते हैं, इसलिए ये उस समय भी काम करता है। और दूसरा इससे एक ये भी चीज मजबूत होती है कि हमने पूरा कम्युनिकेट किया था कि मैंने एक अटैचमेंट भेजा है, उस अटैचमेंट को देख लीजिए, तो ये चीजें जरूरी हैं।